अरे ये क्या, सोन इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? अरे ये क्या, एक चुड़ैल तो सीढ़ी से छत के ऊपर ही आ रही है। आज सोन ने एक पुराना घर खरीदा है और उस पुराने घर को ही देखने के लिए गुल्ली बुली सोन के पास जा रहे हैं, लेकिन इनकी स्कूटर रास्ते में ही खराब हो चुकी है। गुल्ली बोलता है, बुल्ली स्कूटर को भी अभी ही खराब होना था। बुल्ली बोलता है, कोई बात नहीं गुल्ली, ऐसे भी अब ज्यादा दूर नहीं है, हम लोग बस 2 मिनट में ही सोन के पास पहुँच जाएंगे। गुल्ली बोलता, आखिरकार क्यों सोन ने इतने सुनसान इलाके में इतना पुराना घर खरीदा? बुल्ली बोलता, हाँ गुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, और मैंने तो ये भी सुना है कि पुराने घरों में भूतों और चुड़ैलों का साया होता है। गुल्ली बोलता, मुझे चुड़ैल से काफी ज्यादा डर लगता है, क्योंकि चुड़ैल एक खून पीने वाली औरत होती है और चुड़ैल को हराना काफी मुश्किल भी होता है। बुल्ली बोलता, हाँ गुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, चुड़ैल का चेहरा भी काफी भयानक होता है। तभी गुल्ली का फोन बजता है। गुल्ली बोलता, ये तो सोन का कॉल है। गुल्ली अभी तक तुम कहाँ पहुँचे, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। गुल्ली बोलता, हाँ सोन बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। सोन बोलता, तुम जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जैसे लग रहा है कि यहाँ पर मुझ पर कोई नजर रखे हुए है। गुल्ली बोलता, ये क्या बोल रहे हो सोन। सोन बोलता, हाँ गुल्ली यहाँ पर कोई मेरे अलावा जरूर कोई है। ठीक है तुम फोन रखो, बस हम लोग थोड़ी ही देर में पहुँच जाएंगे। बुल्ली बोलता, क्या हुआ गुल्ली तुम इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो। बुल्ली, हमें जल्दी से सोन के पास पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि सोन मुसीबत में है। बुल्ली बोलता, ये क्या बोल रहे हो गुल्ली, आखिरकार सोन पर क्या मुसीबत आ सकती है, ये तो हमें वहां पर जाकर ही पता चलेगा। बुल्ली, और फिर थोड़ी ही देर में गुल्ली बुल्ली उस पुराने घर के पास पहुंच जाते हैं, जिसे सोन ने काफी कम दामों में खरीदा है। गुल्ली बुल्ली को देखकर सोन काफी खुश हो जाता है। गुल्ली बोलता, सोन तुम ठीक तो हो। सोन बोलता, हाँ गुल्ली मैं ठीक हूँ, लेकिन आखिरकार तुम लोग को आने में इतना लेट कैसे हो गया। गुल्ली बोलता, बीच रास्ते में हमारे स्कूटर का पेट्रोल खत्म हो चुका था, इसीलिए हमें बीच रास्ते से स्कूटर को धक्का लगाकर लाना पड़ा, इसी के कारण हमें आने में इतनी लेट हो गई। अच्छा तुम वो सब छोड़ो, आखिरकार तुम फोन पर किसकी बात कर रहे थे और तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे थे। सोन बोलता, गुल्ली बुल्ली जब से मैं इस घर में आया हूँ तब से मुझे काफी डर लग रहा है, इसीलिए मैं घर के अंदर भी नहीं जा रहा हूँ, और अभी तो मैंने इस घर के पूरे पैसे भी नहीं दिए हैं, ये देखो बाकी के पैसे इस बैग में है, और घर का मालिक अभी थोड़ी ही देर में यहाँ पर आने वाला है अपने बाकी के पैसे लेने के लिए। बुल्ली बोलता, तब तो तुम इस घर के बारे में उस आदमी से भी पूछ सकते हो कि कहीं इस घर में गड़बड़ तो नहीं। सोन बोलता, हाँ बुल्ली मैंने भी यही सोचा है, पहले इस घर के मालिक को तो आ जाने दो। गुल्ली बोलता, वो देखो हमारे तरफ कोई अजीब सा आदमी आ रहा है। सोन बोलता, यही है इस घर का मालिक। बुल्ली बोलता, ये आदमी तो काफी अजीब है और इसके कपड़ों पे काफी खून भी लगा हुआ है। गुल्ली बोलता, हाँ बुल्ली मुझे भी ये आदमी ठीक नहीं लग रहा है, जैसे लग रहा है कि ये किसी का खून कर आ रहा हो। सोन बोलता, उसके हाथ में तो देखो, उसके हाथ में तो एक चाकू भी है। और तभी वो आदमी भी गुल्ली बुल्ली सोन के पास आ जाता है। गुल्ली बुल्ली सोन समझ जाते हैं कि ये जरूर किसी का मर्डर कर आया है। सोन उस आदमी को बिना कुछ पूछे सारे पैसे दे देता है। गुल्ली बोलता, अब तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल चुके हैं, अब तुम यहाँ से चले जाओ। वो आदमी गुल्ली की तरफ घूरता है। गुल्ली उसका भयानक चेहरा देखकर काफी डर जाता है। गुल्ली को घूरने के बाद वो आदमी वहां से चला जाता है। बुल्ली बोलता, गुल्ली आखिरकार तुमने उसे जाने क्यों दिया, हमें उस आदमी से इस घर के बारे में सवाल जवाब करना चाहिए था। गुल्ली बोलता, नहीं बुल्ली मुझे उस आदमी से सवाल जवाब करना ठीक नहीं लगा, तुमने देखा नहीं कि वो मुझे कैसे घूर रहा था और उसके हाथ में तो चाकू भी था। सोन बोलता, हाँ गुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसीलिए मैंने उसे चुपचाप सारे पैसे दे दिए। तभी बुल्ली की नजर झाड़ी के पास जाती है। गुल्ली बोलता, झाड़ी के पास देखो वहाँ पर कोई है। गुल्ली और सोन भी झाड़ी के पास देखते हैं, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी नहीं रहता। गुल्ली बोलता, बुल्ली आखिरकार तुमने झाड़ी के पास किसे देखा, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। बुल्ली बोलता, कोई हमें देखकर झाड़ी के पीछे छिप गया है। गुल्ली झाड़ी के पास जाकर देखता है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तभी बुल्ली वहाँ पर आ जाता है और बोलता, आखिरकार ये औरत कहाँ चली गई, मैंने एक औरत को इसी झाड़ी के पास देखा था। गुल्ली बोलता, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है बुल्ली, कहीं तुम्हें आंखों का धोखा तो नहीं हुआ। सोन बोलता, नहीं गुल्ली बुल्ली को कोई भी आंखों का धोखा नहीं हुआ है, क्योंकि जब से मैं भी इस घर में आया हूँ तब से मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है जैसे कोई औरत मुझ पर नजर रखे हुए है। गुल्ली बोलता, तब तो ये चुड़ैल का ही काम है। चुड़ैल का नाम सुनकर बुल्ली और सोन डर जाते हैं। बुल्ली बोलता, तब तो हमें यहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाना चाहिए,
बुल्ली बोलता, लेकिन हमारे स्कूटर में तो तेल है ही नहीं और हमारा घर भी यहाँ से काफी दूर है। सोन बोलता, तब तो हमें आज रात इसी पुराने घर में बितानी होगी। गुल्ली बोलता, हाँ सोन, और इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है। बुल्ली बोलता, लेकिन हमें इस घर के अंदर जाना भी ठीक नहीं लग रहा, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। सोन बोलता, पर इसी तरह हम लोग रात भर बाहर तो नहीं रह सकते, चलो हम लोग इस घर के अंदर चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और फिर तीनों लोग धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। सोन बोलता, गुल्ली बुली तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा, जरा इस दरवाजे से कान लगाकर सुनो। गुल्ली बोलता, हाँ सोन, ये तो पायल की आवाज है, जैसे लग रहा है कि कोई औरत पायल पहनकर अंदर घूम रही है। पायल की आवाज सुनकर ये तीनों काफी डर जाते हैं। सोन बोलता, गुल्ली बुली अगर हम लोग इसके अंदर गए तो शायद हम लोग कभी भी इस घर से बाहर लौटकर नहीं आ पाएंगे। सोन की बात सुनकर गुल्ली बोलता, ये क्या बोल रहे हो सोन, अगर हम लोग इस घर के अंदर नहीं जा सकते तो आखिरकार हम लोग जाएंगे कहाँ, क्योंकि इतनी रात को हम लोग घर नहीं जा सकते, क्योंकि रोड पर एक भी गाड़ी नहीं चल रही और हमारे स्कूटर का पेट्रोल भी खत्म हो चुका है। गुल्ली बोलता, हम लोग को सुबह तक यहीं कहीं पर छिपकर रहना पड़ेगा और सुबह होते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। बुल्ली बोलता, लेकिन आखिरकार हम लोग कहाँ छिप सकते हैं, यहाँ कहीं पर तो छिपने की जगह भी नहीं है, और स्कूटर को धक्का लगाकर मैं काफी थक भी चुका हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। तभी गुल्ली घर की इधर उधर देखता है। गुल्ली बोलता, वहाँ देखो, वहाँ पर एक लकड़ी का सीढ़ी है, क्यों ना हम लोग उस सीढ़ी से चढ़कर इस घर के छत पर ही चले जाते हैं। सोन बोलता, हाँ गुल्ली, ये तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। बुल्ली बोलता, छत के ऊपर तो हम लोग आज रात भर आराम से सो सकते हैं और छत पर हम लोग सुरक्षित भी रहेंगे। सोन बोलता, तो देर किस बात की, चलो हम लोग छत पर चलकर सोते हैं। और फिर सारे लोग सीढ़ी से छत पर चढ़ने लगते हैं। गुल्ली बोलता, ऊपर से नजारा तो काफी अच्छा है और खुले आसमान में सोने का तो अलग ही मजा है। सोन बोलता, हाँ गुल्ली, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। बुल्ली बोलता, बस किसी तरह सुबह हो जाए, उसके बाद तो हम लोग यहाँ से निकल ही जाएंगे, चलो अब हम लोग सोते हैं, मुझे काफी नींद आ रही है। और फिर सारे लोग उस पुराने घर के छत पर सो जाते हैं। लेकिन शायद इन लोगों को पता नहीं है कि आज की रात इन लोगों के लिए काफी खौफनाक रात होने वाली है। तभी आधी रात को किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। वो भयानक आवाज सुनकर सोन की आंख खुल जाती है। सोन बोलता, ये आवाज तो नीचे से आ रही है। सोन उठकर नीचे देखने की कोशिश करता है। अरे ये क्या, सोन इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? अरे ये क्या, एक चुड़ैल तो सीढ़ी से छत के ऊपर ही आ रही है। तो दोस्तों आखिरकार क्या होगा गुल्ली बुली और सोन का? क्या ये चुड़ैल इन तीनों को मार डालेगी या फिर इस चुड़ैल को ही इन तीनों से मुकाबला करना महंगा पड़ जाएगा? ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है कुछ शाउट आउट जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था। अगर आप भी चाहते हैं मैं कुछ शाउट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दो। तब तक के लिए बाय बाय।